जिंदगी में प्यार करना सीख ले जिसको जीना। दोस्तों 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस शशिकला ने करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। शशि का पूरा नाम शशिकला जावलकर था। शशि एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी। आगे भी जाने न तू, पीछे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, वहीं पर्सनल लाइफ में भी उन्हें काफी दुख मिले। भीगी भीगी सन 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 के दिया जुल्फी। शशिकला के पिता का सोलापुर में एक कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास 6 बिल्डिंग थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मेरे पिता दिवालिया हो गए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। करीब 8 दिन तक हम लोगों को अच्छा खाना नहीं मिला। हम लोग इंतजार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट कर ले। हमको तुमसे है प्यार जनाबे अली, हमको तुमसे। इसके बाद मेरे पिता से बहुत से लोगों ने कहा कि शशिकला देखने में सुंदर है और अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है, उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते। तब मेरे पिता परिवार के साथ मुंबई आ गए। मैं 11 साल की थी। मैंने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाकर काम ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई। नूरजहां को मैं अच्छी लगी और उन्होंने अपने पति से कहकर मुझे फिल्म में काम दिलवा दिया। दोस्तों इस तरह शशिकला ने 1945 में फिल्म जीनत में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिला। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद शशिकला ने एक्टर KL सहगल के रिलेटिव ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। कुछ वक्त दोनों का काफी अच्छा गुजरा। इस दौरान शशिकला ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया। लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होने लगे। दोस्तों दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशिकला ने घर परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस बात के बारे में शशिकला ने एक इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों जिस शख्स के साथ वे विदेश गई थी उसने उन्हें मेंटली और फिजिकली खूब टॉर्चर किया था। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर वो इंडिया लौटी थी। वापस आकर वे पागलों की तरह सड़क पर घूमती थी, फुटपाथ पर सोती थी। कोई कुछ हाथ में खाने के लिए रख देता था तो वो खा लेती थी। शांति की तलाश में आश्रम और मंदिरों में भटकती रहती थी। इसके बाद वे कोलकाता गई और मदर टेरेसा के साथ 9 साल तक रही और लोगों की सेवा की। जब थोड़ी शांति मिली तो दोबारा मुंबई आकर फिल्मों में काम करना शुरू किया। दोस्तों अभिनेत्री शशिकला का 4 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। अभिनेत्री ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी और वह 88 वर्ष की थी। तो दोस्तों आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री शशिकला कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।